हेलो एवरीवन, दिस इज कल्याण और आज हम लोग सिप्स कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करेंगे। पॉसिबल क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम रडार। ठीक है, रडार एक कंस्ट्रक्शन सिप कंस्ट्रक्शन का ही चैप्टर में आ जाता है। मैं उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लिया हूँ तो जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रडार एक्चुअली। ठीक है, एक सिंपल लाइन है, द फंक्शन ऑफ द रडार इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द शिप बाई यूजिंग स्टीयरिंग गियर। मतलब इंडिविजुअल चेंज नहीं कर सकता, इसको स्टीयरिंग गियर अरेंजमेंट का एक हेल्प चाहिए, जिसके जिसका हेल्प से ये क्या करता है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ शिप। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दोज टू शॉर्ट क्वेश्चंस, ये ओरल में बहुत बार पूछता है। द टर्निंग एक्शन ऑफ अ रडार इज डिपेंड, मतलब किस हिसाब से रडार का टर्निंग का जो आपको एक्शन मिलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड है। ऑन द एरिया ऑफ द रडार विच इज यूजली इन ऑर्डर ऑफ 1/60th टू 1/70th ऑफ द लेंथ इन टू डेप्थ ऑफ द शिप। ठीक है, ये आपको मिल गया होगा आंसर कि टर्निंग एक्शन ऑफ अ रडार डिपेंड करता है रडार ऑन द एरिया ऑफ द रडार, मतलब रडार का जो एरिया है, एरिया मतलब एक्चुअली जो रडार का आप वॉल्यूम भी कह सकते हो उसको सीधी बात पे, विच इज यूजली इन ऑर्डर टू 1/60th टू 1/70th इन टू ऑफ द लेंथ इन टू डेप्थ ऑफ द शिप। ठीक है, एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो ऑफ अ रडार। द रेशियो ऑफ डेप्थ टू विड्थ ऑफ अ रडार इज नोन एज एस्पेक्ट रेशियो। ये हो गया सिंपल आंसर, विच इज यूजुअली इन द रीजियन ऑफ टू, मतलब दो के करीब इसका वैल्यू रहता है। तो दिस इज द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ अ रडार। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इजी, व्हाट इज टाइप्स ऑफ रडार। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रडार में आपको उतना कुछ बाकी, बस तीन, अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड, सेमी बैलेंस्ड, ये आपका एकदम शॉर्ट आंसर है। और एक पॉइंट याद रख दीजिए कि मॉडर्न रडार्स आर कंस्ट्रक्टेड टू स्ट्रीमलाइंड ऑफ द वाटर टू रिड्यूस द एडी रेजिस्टेंस। जो मॉडर्न मरीन रडार्स हम लोग यूज करते हैं, दो आर एक्चुअली हम लोग अभी कहते हैं स्ट्रीमलाइन रडार्स। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज मैंने लिया कि अनबैलेंस्ड रडार, बैलेंस्ड रडार या फिर सेमी बैलेंस्ड रडार का इजी डेफिनेशन। ठीक है, आपको कोई भी सर्वेयर बहुत लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा, बहुत एक लाइन का आंसर पूछता है लोग, एकदम रैपिड फायर टाइप। ठीक है, व्हाट इज अनबैलेंस्ड रडार। अ रडार विद द होल ऑफ इट्स एरिया आफ्टर पार्ट ऑफ द रडार स्टॉक इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड रडार। मतलब उसका मैक्सिमम पार्ट जो रडार का एरिया है वो एक्चुअली आफ्ट पार्ट ऑफ द रडार स्टॉक। नाउ व्हाट इज दिस, नाउ ध्यान दीजिए इसमें, दिस इज माई रडार स्टॉक। ठीक है, कमिंग फ्रॉम द स्टीयरिंग फ्लैट। नाउ दीज आर एक्चुअली एरिया क्या हो, ये एक्चुअली मेरा रडार है, तो दिस इज माई एक्चुअली एरिया ऑफ अ रडार। ठीक है, नाउ आफ्टर पार्ट ऑफ द रडार स्टॉक मतलब दिस इज माई आफ्ट पार्ट, दिस इज माई फोर पार्ट। तो मैक्सिमम पार्ट इन अनबैलेंस्ड रडार इज इन आफ्टर पार्ट ऑफ द रडार स्टॉक, दिस इज वॉट इज सेड इन अनबैलेंस्ड। ठीक है, नाउ वॉट इज बैलेंस्ड रडार। अ रडार विद बिटवीन 20-40% ऑफ इट्स एरिया फॉरवर्ड ऑफ द रडार स्टॉक इज सेड टू बी बैलेंस्ड रडार। ठीक है, नाउ दिस इज माई बैलेंस्ड रडार। इसमें क्या बोलता है कि अगर मेरा रडार रडार स्टॉक ये हो गया कमिंग फ्रॉम द स्टीयरिंग फ्लैट, नाउ 20-40% ऑफ माई एरिया इज फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द रडार स्टॉक एंड रेस्ट वन इज इन द आफ्टर पार्ट ऑफ माई रडार स्टॉक, दिस इज नेम्ड एज बैलेंस्ड रडार। ठीक है, नाउ व्हाट इज सेमी बैलेंस्ड रडार। एक्चुअली सेमी बैलेंस्ड रडार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड रडार। ये एक लाइन का आप आंसर दे सकते हैं कि सेमी बैलेंस्ड एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन है। अ रडार व्हिच हैज द पार्ट ऑफ इट्स एरिया फॉरवर्ड ऑफ द रडार स्टॉक बट नो रडार एंगल इज बैलेंस्ड इज सेड टू बी सेमी बैलेंस्ड रडार, ये वाला भी बोल सकते हैं। नाउ जो दोनों को हम लोग कॉम्बिनेशन करके यूज कर रहे हैं उसका बेसिक फंक्शन क्या है। द टॉप पार्ट बींग अनबैलेंस्ड, जो अनबैलेंस्ड पार्ट है वो क्या करेगा, विल हेल्प इन एक्टिंग एज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द रडार फॉर्म एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड द बैलेंस्ड पार्ट, ठीक है, वो क्या करेगा, विल रेंडर लेस टॉर्क इन स्विंगिंग द रडार। ओके, तो ये टॉर्क को रिड्यूस, टॉर्क एक्चुअली क्या है, एंगुलर मोशन है। ठीक है, वो हम लोगों को लेस करेगा मीन स्विंगिंग द रडार, जो क्या है, बैलेंस्ड पार्ट। तो दीज आर एक्चुअली द फंक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड रडार कॉम्बिनेशन इन नेम्ड एज सेमी बैलेंस्ड रडार। ठीक है, टाइप ऑफ रडार आपको हो गया होगा, ये फोटो के साथ भी मैं बोल दिया क्या उसका फंक्शन है, क्या किस तरीके से दिखता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने लिया है वो अनबैलेंस्ड के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम रडार का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है, मैं एक के ऊपर डिस्कस कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। द मॉडर्न स्ट्रीमलाइन रडार्स, जो मैंने बोला कि मरीन रडार्स जो मॉडर्न है वो सब स्ट्रीमलाइन रडार्स हम लोग नाम दिए उसको, आजकल इसको स्ट्रीमलाइन रडार्स कहते हैं, ऑफ अ डबल प्लेट कंस्ट्रक्शन, जैसा डबल हल हो गया वो एक्चुअली डबल प्लेट कंस्ट्रक्शन है, विथ स्टील प्लेट, स्टील प्लेट्स यूज किया जाता है, ऑन व्हिच साइड्स आर वेल्डेड टू फॉर्म एन इंटरनल फ्रेमवर्क, ठीक है। साइड्स आर वेल्ड मतलब बहुत सारा वेब फ्रेम्स एक्चुअली होता है जिसको हम लोग वेल्ड करके एक रडार बनाता है, ठीक है। ये बेसिकली वे लाइन वही बोलता है। द टू बियरिंग्स ऑन व्हिच द रडार विल टर्न इज नोन एज गार्डियन और पिंटल, ठीक है। इसमें ना कुछ कुछ पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के इसका पूछ सकता है कि व्हाट इज गार्डियन और पिंटल, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, व्हाट इज गार्डियन और पिंटल। टू बियरिंग्स ऑन व्हिच द रडार विल टर्न इज नोन एज गार्डियन और पिंटल, ठीक है। ये देखिए, ये एक बियरिंग हो गया इसका, इट इज गार्डियन और पिंटल इसमें हो गया, ये एक बियरिंग हो गया, मतलब ये एक्चुअली पिवोट पॉइंट है, इसके ऊपर बेस करके रडार मेरा मूव करेगा दिस साइड और दिस साइड, 3D पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस आर नोन एज पिंटल, पिवोट पॉइंट भी बोल सकता है, इसके ऊपर मूव करता है, तो इसको पिंटल, गार्डियन या फिर पिवोट पॉइंट पे आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हिच आर फिटेड एट द अपर पार्ट एंड एक्सट्रीमली लोअर एट द रडार प्लेट, अभी दिखाया मैंने। द रडार स्टॉक लोअरिंग डाउन फ्रॉम द स्टीयरिंग इंजिन कनेक्ट टू द पाम और कपलिंग, ठीक है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज पाम और कपलिंग फॉर अ रडार, ठीक है। देखिए ये मेरा रडार स्टॉक है, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द स्टीयरिंग फ्लैट। नाउ दिस इज वेयर इट इज कनेक्टेड टू माई रडार, एक्चुअली दिस इज नोन एज पाम और कपलिंग, ठीक है, दिस इज वॉट इट इज, ठीक है। अ लिफ्टिंग ट्यूब देयर एट द सेंटर पार्ट ऑफ द रडार टू टेक द फुल लोड बाई मीन्स ऑफ वायर रोप वाइल डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द रडार। सपोज आपका रडार में कुछ डैमेज हो गया, आप ड्राई डॉक पे हैं, आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि आप पिंटल पिंटल से खोल दिए और बाकी रडार तो पूरा नीचे धम करके गिरेगा, तो उसको हम लोग वायर से लोड लेते हैं टू डिसमेंटल एंड इसको वर्कशॉप पे भेजने के लिए हम लोग इसको डिसमेंटल करते हैं। तो फॉर दिस देयर इज अ लिफ्टिंग ट्यूब फिटेड फॉर कनेक्टिंग द वायर रोप्स, नथिंग एल्स, दिस इज द लिफ्टिंग ट्यूब। ये एक पॉइंट हो गया, व्हाट इज द दिस इज लिफ्टिंग ट्यूब, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ अ ड्रेन प्लग एट द बॉटम सर्फेस ऑफ द रडार कैन बी ओपेंड और क्लोज फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। ड्रेन प्लग इधर रहता है एक्चुअली बेसिकली, तो ड्रेन प्लग फॉर इंस्पेक्शन पार्ट रहता है, ठीक है, जो हम लोग ड्राई डॉक पे करते रहते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल गया, गार्डियन और पिंटल क्या है, पाम और कपलिंग क्या है, लिफ्टिंग ट्यूब क्या है एंड ड्रेन प्लग, ठीक है। ये बेसिकली एक इसमें अनबैलेंस में भी रहता है, बैलेंस में भी रहता है या फिर सेमी में रहता है, तो ये चार पांच जो पॉइंट्स है ये सब में रहता है, तो मैंने फोटो के साथ आपको दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ये सर्वेयर पूछता है कि रडार का क्या मेंटेनेंस होता है, ठीक है। एक्चुअली रडार तो हम लोग नहीं ले सकते समुंदर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरी ड्राई डॉक ऑफ शिप्स रडार इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड फॉर रेगुलर रूटीन, द फॉलोइंग मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन टू बी कैरिड आउट ऑन द रडार इन ड्राई डॉक, ठीक है। बेसिकली हम लोग ड्राई डॉक पे ही करते हैं। द रडार इज टू बी क्लीन बाई होजिंग डाउन वाटर एंड यूजिंग द ब्रासेस, क्यों, इसमें बर्नाकल्स या फिर जो सी ग्रोथ या फिर मेरीन ग्रोथ हो जाता है उसको हम लोग होज डाउन करते हैं बाई वाटर, उसमें बहुत सारा चला जाता है, बाकी हम लोग ब्रशेस से क्लीन करता है, वो तो आप ड्राइवर से भी करवा सकते हैं जब आपका ईयरली जो क्लीन अप प्रोसेस चलता है उसमें भी। एन इंस्पेक्शन टू बी मेड इमीडिएटली आफ्टर डॉकिंग द शिप फॉर एनी डैमेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, मतलब आपका कोई एक्सीडेंट हो गया आप इमीडिएट डॉक कर सकते हैं या फिर आपका जो बेसिक ड्राई डॉक पीरियड है उसके बाद भी आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्रैक्स एंड एनी डिफॉर्मेशन वो आपको फाइंड आउट करना है। द ड्रेन प्लग टू बी रिमूव्ड एंड टू बी चेक्ड फॉर एनी प्रेजेंस ऑफ वाटर, रडार टू बी प्रेशर टेस्टेड, ये तो सोर्स साइट से आके आपका इंजीनियर असिस्ट करेगा उसको, वो तो कर देगा सोर्स साइट बाय विद हेल्प ऑफ सोर्स साइट प्रेशर टेस्ट भी होता है। एनी रिपेयर इफ रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट, पिंटल क्लियरेंस, ठीक है, ये मैंने अपना जांच पे देखा, एक बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट रहता है पिंटल क्लियरेंस के लिए, वो बेसिकली कोई भी सेकेंड या थर्ड या फिर फोर्थ इंजीनियर भी असिस्ट कर सकता है आपको, मतलब आपका जो सोर्स साइट आता है वो भी करता है। टू बी चेक एंड रडार क्लियरेंस टू और जंपिंग बार टू बी एग्जामाइंड, ठीक है। रडार कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस बाई रिमूविंग द स्टॉक फ्रॉम द रडार, जो मैंने अभी बोला।
After inspection of the radar to be fitted back and check for all clearance are in good order, drain plugs are to be tightened. जो हम लोग basic good seamanship होता है कि हम लोग dismantle कर दिए, उसके बाद हम लोग सब कुछ अच्छे से लगा के उसको वापस operational बनाना है. तो those are all maintenance of a radar. Now, stern frame, ये actually frame construction का ही है, लेकिन ये radar के अंदर ही आता है, क्योंकि stern frame is, मतलब ये दोनों actually connected है, radar and stern frame, ठीक है, what is stern frame, जो नाम से ही पता चल रहा है कि construction, सिर्फ construction का ही कोई part है, it is a cast steel, made, may be fabrication and forgings, castings, forgings actually metal formation का process होता है, ठीक है, जो हम लोग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम लोग सबको सपोज आप लोग कोई मतलब जो गॉडेस का जो स्कल्पचर बना रहे हैं उसके लिए हम लोग जो मोल्ड बनाते हैं मतलब जिसको हम लोग छाँच कहते हैं सपोज एक आपका इस शेप का बनाना है तो उस पर आप स्टील डाल के उसको वेट करिए ठंडा हो जाने के बाद जो वो स्टील एक्चुअली शेप का निकलता है वो एक्चुअली हम लोग कास्टिंग या फॉर्जिंग वो सबको बोलते हैं. स्टर्न फ्रेम्स आर ऑल्सो फिटेड इन सिंगल स्क्रू शिप. द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्न फ्रेम इज एट द रडार टॉप part fitted and the lower part at the stern frame holding the lower locking pintail. Lower locking pintail मैंने बोल दिया, अगर इधर ये मेरा stern, this is my stern frame actually, जो लाल वाला मैं mark कर रहा हूँ ये मेरा stern frame है, ठीक है, this is my stern frame construction. जो लाल part मैंने किया तो radar मेरा इधर lower locking pintail के साथ connect रहता है या फिर upper locking pintail के साथ या फिर जो radar जो palm और coupling मैंने बोला उसके साथ जो radar stock steering flat से आता है उसके साथ भी connected रहता है. तो this is my stern frame construction. Okay? Thus the full radar is supported by stern frame. A center line hole is cut to the stern frame to fit the propeller boss. सेंटर लाइन एक प्रोपेलर भी रहता है इधर मेरा ये स्टर्न ट्यूब के एक सेंटर लाइन होल रहता है दिस इज नोन एज प्रोपेलर बॉस. ठीक है. द रडार पोस्ट सपोर्टिंग द स्टर्न फ्रेम एट द लोअर एंड एंड द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द स्टर्न फ्रेम इज कनेक्टेड टू अ कॉफिन प्लेट. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज कॉफिन प्लेट. कॉफिन प्लेट क्या हो गया फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द स्टर्न फ्रेम कनेक्टेड टू अ कॉफिन प्लेट फॉर कनेक्टिंग द कील प्लेट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द शिप. मतलब अगर ये मेरा जहाज हो गया तो ये मेरा आफ्टर पार्ट हो गया ये मेरा फॉरवर्ड पार्ट हो गया तो स्टर्न फ्रेम का भी सेम ये मेरा फॉरवर्ड पार्ट हो गया. दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू अ कील प्लेट विद द मीन्स ऑफ कॉफिन प्लेट. तो दिस इज द कॉफिन प्लेट ऑफ अ शिप स्टर्न फ्रेम. ठीक है. ये मेरा कॉफिन प्लेट भी हो गया आपको समझ में आ गया होगा या फिर जो कील प्लेट. द स्टर्न फ्रेम ऑल्सो होल्डिंग द स्टर्न स्ट्रक्चर ऑफ द शिप. मतलब जो स्टर्न स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत वल्नरेबल टू डैमेज होता है तो स्टर्न फ्रेम उसको भी होल्ड करने में हेल्प करता है. ठीक है. तो आपको स्टर्न फ्रेम का कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गया होगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज द आफ्टर एंड अरेंजमेंट्स. मतलब आफ्ट पार्ट का जहाज का अरेंजमेंट कैसे बनाया जाता है. ठीक है. एक्चुअली वो क्रूज इन द फॉर्म ऑफ क्रूजर स्टर्न भी हो सकता है या फिर ट्रांजम स्टर्न भी हो सकता है. ठीक है. क्रूजर स्टर्न और ट्रांजम स्टर्न ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा इसका शेप का डिफरेंस है एंड कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है. बाकी दोनों एक्चुअली आफ्टर एंड अरेंजमेंट्स भी में आता है. तो मैं क्रूजर स्टर्न से शुरू करता हूँ. दिस पार्ट फॉर्म्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द हल ऑफ द शिप अबव द स्टर्न फ्रेम. मतलब क्या बोलता है, अगर ये मेरा स्टर्न फ्रेम हो गया तो दिस द क्रूजर स्टर्न इज दिस पार्ट यू कैन से ये एक्चुअली मेरा अपर सॉरी व्हाट इट इज से दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द हल ऑफ द शिप अबव द स्टर्न फ्रेम. तो दिस इज माई स्टर्न फ्रेम एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द हल ये हो गया मेरा स्टर्न आफ्टर इन अरेंजमेंट्स वेदर इट इज इन क्रूजर और इट इज इन ट्रांजम स्टर्न. ठीक है. नाउ इट इंक्रीजेस द बुएंसी एट द आफ्टर पार्ट एंड इम्प्रूव्स द फ्लो ऑफ वाटर एज दिस पार्ट ऑफ द शिप यूज टू बी स्लैमिंग इफेक्ट ड्यूरिंग हीविंग एंड पिचिंग. ठीक है. तो स्लैमिंग इफेक्ट एक्चुअली जहाज का बोथ एंड पे एक स्ट्रेस बोल सकते हैं वो मैं बाद में आऊंगा. बहुत सारा इफेक्ट है इसका. तो स्लैमिंग इफेक्ट उसी में से एक है जो एक्चुअली बोथ एंड पे जहाज का बहुत ज़्यादा होता है तो उसको रिड्यूस करता है. जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस नहीं करता मतलब उसको एब्जॉर्ब करता है मेरा स्टर्न आफ्टर इन अरेंजमेंट्स. ठीक है. एंड मस्ट देयर फॉर बी हेविली कंस्ट्रक्टेड बाई स्टिफनिंग अरेंजमेंट्स. ठीक है. हेविली कंस्ट्रक्टेड मतलब एडिशनल स्टिफनिंग अरेंजमेंट्स या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन आपका होता है वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनता है. ठीक है. क्लासिफिकेशन सोसाइटीज रूल्स रिक्वायर दैट द फ्रेमिंग शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द आफ्टर पिक. मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर कंस्ट्रक्शन लाइक आफ्टर पिक टैंक
एंड विथ वेब फ्रेम्स फिटेड वेयर नेसेसरी। मतलब वेयर नेसेसरी क्या हो गया, मतलब आपका एडिशनल अरेंजमेंट्स फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब फॉर स्ट्रेंथनिंग योर शिप इन द स्टर्न पार्ट्स। अभी बहुत सारा एडिशनल पॉइंट्स भी है क्रूजर स्टर्न के ऊपर। While the solid floors must be fitted together with a center line girder. Solid floors क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि बहुत vulnerable to damage है, तो वाटर टाइट बनाने के लिए इसको सॉलिड floors हम लोग यूज करते हैं। Girder has to be doubled. Double means what? The additional strengthening members just above the transom floor. Transom floor में बाद में आता हूँ with diagram to allow the radar stock to pass. In practice, the structure is arranged in two main forms. मतलब जो क्रूजर स्टर्न है उसका जो मेन फॉर्म्स दो तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कांट फ्रेम्स इन कंजंक्शन विथ कांट बीम्स। तो दीज आर एक्चुअली माई कांट बीम्स एंड दीज आर एक्चुअली माई कांट फ्रेम्स। ठीक है, तो ये एक क्रूजर स्टर्न का एक कॉम्बिनेशन हो गया, आइदर इन कांट फ्रेम्स इन कंजंक्शन विथ कांट बीम्स, ठीक है, और हॉराइजेंटल फ्रेम्स इन कंजंक्शन विथ आइदर दिस इज माई कांटिंग बीम्स, मतलब कांट बीम्स और ट्रांसवर्स बीम्स। ठीक है, मतलब कांट फ्रेम्स और कांट बीम्स इन टुगेदर, आइदर दिस और हॉराइजेंटल फ्रेम्स इन कंजंक्शन विद कांट बीम्स और ट्रांसवर्स बीम्स। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम लोग क्रूजर स्टर्न को फॉर्म करते हैं। और जगह एक जगह मुझे मिला था, फ्रेम स्पेसिंग इज नॉट टू बी एक्सीड 16 mm। ये बस बेसिक एक कंसेप्ट है, ये तो चेंज होता ही रहता है, कोई यूनिवर्सल नहीं है। तो दीज आर इन द पार्ट ऑफ क्रूजर स्टर्न। नाउ अभी मैं क्रूजर स्टर्न पे भी आप लोगों को एक बोलना चाहता हूँ, ये जो स्लोपिंग अरेंजमेंट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज क्रूजर स्टर्न। ठीक है, ट्रांजम स्टर्न क्या हो गया, आपका फ्लैट एक हो जाएगा, ऐसा स्लोप नहीं रहेगा, इधर ऐसा एक सीधा हो जाएगा, फिर जो है जो आपका स्टर्न कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, दोज आर नोन एज ट्रांजम, दिस इज द स्लोपिंग पार्ट, दिस इज नोन एज द क्रूजर स्टर्न। ये हो गया क्रूजर। ठीक है, मैं आपको फोटो में और एक बार दिखाऊंगा अच्छे से। तो बेसिक फंडा यही है इसका, बाकी जो सॉलिड फ्लोर्स मैंने बोला, सॉलिड फ्लोर्स भी यूज किया, कांट फ्रेम्स कांट बीम्स मैंने बोल दिया आपको, बाकी सब तो एडिशनल जो स्टिफनिंग मेंबर्स है वो सब है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ट्रांजम स्टर्न, इट्स सिमिलर टू क्रूजर स्टर्न एक्सेप्ट दैट द पेंट दिस इज नोन एज द कांट फ्रेम इज एट द आफ्टर एंड इज रिप्लेस्ड बाई अ फ्लैट प्लेट कॉल्ड ट्रांजम। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दे गया है ट्रांजम स्टर्न। मतलब क्या, जो आपका स्लोपिंग पार्ट है, ऐसा जो स्लोपिंग नहीं रहेगा, ये एकदम सीधा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रांजम स्टर्न। आप ये फोटो में भी और अच्छे से देख सकते हैं, दिस इज द ट्रांजम स्टर्न। मतलब एक जो कांट फ्रेम है वो एक फ्लैट प्लेट से रिप्लेस किया जाएगा, दिस इज नोन एज ट्रांजम एंड फ्रॉम दिस इट गेट्स द नेम ट्रांजम स्टर्न। ठीक है, इन मेनी लार्जेस्ट शिप्स अ ट्रांजम स्टर्न इज फिटेड दैट इज द स्टर्न इज फ्लैट। अभी ट्रांजम स्टर्न का बेनिफिट्स क्या है, हम लोग इसको क्यों यूज करेंगे, इट रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट व्हाइल एट द सेम टाइम। मतलब एक जहाज पे आपको अगर सिस्टर शिप होगा, आप एक में ट्रांजम स्टर्न लगा दीजिए क्रूजर स्टर्न, तो ट्रांजम स्टर्न में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम मिलेगा। रिड्यूस इन BM बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट आपका स्टेबिलिटी में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे बेंडिंग मूवमेंट, तो वो ट्रांजम स्टर्न रिड्यूस करता है। इन द आफ्टर स्ट्रक्चर लार्ज आफ्टर पार्ट एरिया। ठीक है, मतलब आपका जो पूप टेक एरिया है वो बहुत बड़ा हो जाएगा इन ट्रांजम स्टर्न, अगर आप कंपेयर करेंगे क्रूजर स्टर्न से। तो दीज आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ माई ट्रांजम स्टर्न। ओके, नाउ ये तो मैंने आपको बोल दिया होगा, दिस इज माई स्टर्न कंस्ट्रक्शन हो गया, दिस इज माई द ट्रांजम स्टर्न हेयर। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेगा इसका कंस्ट्रक्शन, बस कांट फ्रेम्स और कांट बीम्स से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोटो, यू कैन सी दिस इज अ स्लोपिंग अरेंजमेंट। ठीक है, दिस इज माई क्रूजर स्टर्न। ठीक है, बट इधर देखिए ये फोटो में स्लोप नहीं है, दिस इज अ फ्लैट, इट हैज बीन रिप्लेस द कांट फ्रेम हैज बीन रिप्लेस्ड बाई अ फ्लैट प्लेट इज नोन एज द ट्रांजम। ये मेरा हो गया ट्रांजम। फोटो में आपको समझ में आ गया होगा वट इज क्रूजर स्टर्न, वट इज माई ट्रांजम स्टर्न। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया आपका दोनों स्टार्टर एंड अरेंजमेंट्स का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लिटिल बिट शॉर्ट क्वेश्चंस, बेसिकली आस्क्ड बाय द सर्वेयर, ट्रांजम फ्लोर, ट्रांजम फ्रेम, ट्रांजम बीम्स। घबराइए मत, तीनों ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही आंसर होगा, क्योंकि ऑल थ्री फ्लोर फ्रेम्स बीम्स एक्चुअली स्टर्न पार्ट में एक मतलब स्ट्रेंथनिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। फ्लोर फ्रेम्स बीम्स ये तीनों एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग द आफ्टर पार्ट ऑफ द शिप।
ठीक है। नाउ एक डेफिनेशन देख लीजिए, द फ्रेमिंग इज मेनली कैरिड बाय द ट्रांजम विच कंसिस्ट ऑफ डीप एंड हैवी फ्लोर। डीप एंड हैवी फ्लोर मतलब सेम आपका जो बेसिक से आपको थोड़ा मजबूत और बनाना है। सिक्योरली अटैच टू द रडार पोस्ट, मैंने आपको दिखा दिया रडार पोस्ट किधर है, इन एसोसिएशन ऑफ ट्रांसवर्स फ्रेम एंड बीम। दीज आर नोन एज ट्रांजम फ्लोर, ट्रांजम फ्रेम और ट्रांजम बीम। अगर आपको इतना कुछ मालूम नहीं भी चलेगा, फ्लोर बीम या फिर फ्रेम पूछ लिया, आप बोल सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली द स्ट्रेंथनिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट इन द आफ्टर एंड अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा सर्वेयर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज ट्रांजम पोस्ट। इज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द बॉटम पार्ट। ये एक पॉइंट हो गया, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द बॉटम पार्ट। किधर से किधर तक, क्रूजर स्टर्न मतलब जो आफ्टर एंड अरेंजमेंट्स है, उधर से ट्रांजम फ्लोर मतलब क्या हो गया। ठीक है, ये देखिए ट्रांजम फ्लोर एक्चुअली मेरा, देखिए इधर दिस इज माई ट्रांजम फ्लोर। ठीक है, ये मेरा अगर आफ्टर एंड कंस्ट्रक्शन हो गया तो इसको हम लोग ट्रांजम, ये मेरा रडार स्टॉक हो गया। ठीक है, तो रडार स्टॉक से बाहर से जो स्टैंड फ्रेम का कंस्ट्रक्शन जाता है, दिस इज नोन एज ट्रांजम फ्लोर। तो इधर से जो मेरा क्रूजर स्टैंड का कंस्ट्रक्शन है, जो पोस्ट रहता है क्रूजर स्टैंड टू ट्रांजम फ्लोर, दिस इज नोन एज द ट्रांजम पोस्ट। ठीक है, ये जो मेरा ट्रांजम फ्लोर टू क्रूजर स्टैंड मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ द हाल जो स्टैंड फ्रेम ऊपर का है, उसको हम लोग ट्रांजम पोस्ट कहते हैं। बाकी वाइब्रेशन पोस्ट आपको मालूम होगा, वाइब्रेशन पोस्ट जो ये वाला पार्ट है क्या करता है, जो आफ्टर एंड में वाइब्रेट होता है जहाज, उसको रिड्यूस करता है। प्रोपेलर पोस्ट कनेक्टेड टू द प्रोपेलर। ठीक है, बाकी इधर और कुछ नहीं है, बाकी मैं सब कुछ डिस्कस कर दिया, ट्रांजम फ्लोर क्या है या फिर रडार पोस्ट क्या है या फिर आपका जो प्रोपेलर बॉस किधर से पास होता है, बाकी सब आपको मालूम चल गया होगा। थैंक यू। एक चीज मैंने इधर बाकी रखा है, ज्यूरी रडार कह के एक चीज है, ज्यूरी रडार एंड वन मोर थिंग इज देयर, ज्यूरी स्टीयरिंग। तो ये दोनों को मैंने एक वीडियो पे लाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत इसको बाकी रखा है। बहुत इजी सा एक क्वेश्चन है, वो दोनों को मैं एक वीडियो पे डालने के लिए मैं इस पॉइंट पे नहीं डाला। बाकी ऑलमोस्ट आई हैव डिस्कस्ड विद यू एवरीथिंग। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।